काल में बहुत सारी दिक्कतें आई ऑक्सीजन को लेकर, अब सभी हॉस्पिटल जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने जा रहे हैं ऑक्सीजन के नाम में, किस तरह से देखते हैं? आज स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 250 LPCD के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। पूरे कोविड काल में सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं सभी ने मिलजुल के काम किया है, और इसी दिशा में आने वाले समय में अगर थर्ड वेव फोर्थ वेव जो भी वेव आती है उसकी तैयारी के दिशा में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट रहे ताकि सिलेंडर्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम हो, इसी प्रयोजन के साथ पूरा प्रशासन और काम कर रहा है। इसमें IMA और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन लोगों ने भी काफ़ी मिलजुल के काम किया है, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अभी खुद के ऑक्सीजन प्लांट के साथ आ रहे हैं। केवल कोरोना में भी नहीं परंतु अन्य जो बीमारियां हैं उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो एक सुविधा बनी रहेगी जिसमें हम लोगों का जो ऑक्सीजन के ऊपर का डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, सिलेंडर के ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसा है, एक समय पर मेरे अस्पताल में कोविड के 120 पेशेंट एडमिट थे और उसमें से 70 पेशेंट को ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता थी, और एक समय ऐसा आया जब मेरे पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था। तो उस समय जो हमारी स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा लाचार हम महसूस कर रहे थे। हमने बहुत प्रयास के बाद जब ऑक्सीजन की व्यवस्था हमको मिली तो उसी समय हमारे दिमाग में आ गया था कि किसी भी तरीके से हमको अपने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी है, चाहे उसके लिए कैसा भी करना पड़े। और जैसे ही कोविड के दौरान थोड़ा मौका मिला हमने 1 महीने के अंदर ये योजना को कार्यान्वित किया, और इसका लाभ जो है जैसा कलेक्टर साहब ने कहा ना केवल कोविड के पेशेंट को बल्कि और पेशेंट को भी मिलेगा। सर कितने की योजना होगी लगभग? ये करीब करीब जो है 50 से 60 लाख रुपए की योजना है। सर अवार्ड भी मिला है आज? हाँ जी हाँ, ये मेरे अस्पताल के लिए एक गर्व का विषय है कि आज आयुष्मान भारत जो खूबचंद बघेल योजना भी कह रहे हैं उसमें दुर्ग जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमें अवार्ड मिला है, और इसके लिए मैं पूरे स्पर्श परिवार को और मेरी टीम को जो लोग इसमें काम किए हैं उसको धन्यवाद देता हूँ। ये हैं जो नवजात शिशु में, बच्चों में और बड़ों में तीनों के लिए उसमें फैसिलिटीज़ हैं, नॉन इन्वेजिव मोड में चलाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं, और ये एक तरह से तीसरे वेव की तैयारी है। न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का जो मॉडल आया है, जो हाई एंड मॉडल है, छत्तीसगढ़ में अपने आप का तरह पहला मॉडल है, और उसके आने से बहुत सारी सर्जरीज जो आज हम नहीं कर पाते थे भिलाई शहर में, ब्रेन ट्यूमर्स या जैसे किसी की उंगली कट जाती है उसे जोड़ नहीं पाते थे, तो वो सब सर्जरीज अब चालू हो चुकी हैं। ये शहरवासियों के लिए एक सौगात है। प्रेरणा ऐसे मिली कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तब ऑक्सीजन प्लांट्स तो बहुत थे यहाँ पर, लेकिन हमें जो क्राइसिस आई थी वो सिलेंडर्स की आई थी। हमारे पास सिलेंडर्स नहीं होते थे, लोग कहते थे सिलेंडर्स लेके आइए और भर के ले जाइए। तो निश्चित तौर पर ये होता था कि अगर आपके पास 50 सिलेंडर्स का ऑक्सीजन अगर है तो आप आराम से 6 घंटे तो आप चला सकते हैं अस्पताल को। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए जिससे 5-6 घंटे का जो गैप आता है सप्लाई में उसको मैनेज किया जा सके।